जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रेविस लेटिस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी कयामत खड़ी हो गई, कि अब ये नया कौन सा आ गया कि ब्रेविस लेटिस, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिस प्रकार से अपन ने लेटिस पॉइंट पढ़े थे और उससे अपन ने कुछ अलग अलग वेज वो पढ़े थे, उसी प्रकार से ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट का बनाया। क्या बनाया भाई? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट, मतलब लेटिस पॉइंट से अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट बनाए। और किसको ध्यान में रखा उन्होंने? कि सिमेट्री ऑपरेशन को, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑपरेशन उन्होंने क्या किया कि भाई डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट बनाए, 2D में भी बनाए और 3D में भी बनाए। तो इस प्रकार से उनके जो वेरियस अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं भाई? ब्रेवियस लेटिस। ठीक, तो ये 2D में उसने कुछ 7 बनाए थे। ठीक है, ये 5 बनाए, सॉरी, ये देखिए ये 5। 2D के अंदर कितने भी डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट आर 5, और 3D में क्या है? 3D में क्या होता है? ये होते हैं 14। ठीक है, 3D के अंदर 14 डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। ठीक, चलो अब क्या करते हैं अपन कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, कि अकॉर्डिंग टू ब्रेवियस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, ऑन द बेसिक ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस देयर आर 5 डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट इन 2D एंड इन 3D 14 डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट। ठीक है भाई, समझ में आ गया? और दिस डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट आर नोन एज ब्रेवियस लेटिस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अपन पढ़ते भी 2D में ये कौन कौन से डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट थे। तो बहुत ही इजी है, देखिए अगर आप कहो तो मैं मिटा दूं डेफिनेशन। चलो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए ना। चलो अब अपन पढ़ते हैं भी डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट 2D के अंदर। ठीक, 2D में बहुत ही सिंपल से पढ़ा रहा हूं मैं। देखो कि सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक। क्यूबिक होता है ना, उसमें वेरियस डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखो क्यूबिक कैसा होता है भाई, तुम्हारे को पता है? एक सेकंड में, क्यूबिक में क्या होता है? ए इक्वल, जो लेटिस पैरामीटर होते हैं ए इक्वल टू बी होता है, और जो गामा होता है वो क्या होता है भाई? 90 डिग्री। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। ए बी क्या है? लेटेस्ट पैरामीटर, और ये क्या है? गामा। गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यूबिक पहला अपन ने पढ़ रहे हैं, क्यूबिक होता है, ए इक्वल टू बी होता है, गामा 90 डिग्री होता है। और ये अपने पास इसके अंदर भी वेरियस ब्रेवियस लेटेस्ट होते हैं, इसमें 2 होते हैं, वो भी होता है अपने पास। चलो अब वो 3D में पढ़ेंगे ना। पहला क्यूबिक हो गया, दूसरा क्या है अभी? दूसरा अपन पढ़ते थे रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर वैसे अपन नाम इसको सेकंड नहीं देते हैं, अब रेक्टेंगुलर के अंदर भी अब सेकंड नाम देते हैं और इसके अंदर फिर थर्ड नाम देते हैं। ठीक, तो रेक्टेंगुलर के अंदर कौन सा रेक्टेंगुलर है ये? रेक्टेंगुलर, एक सेकंड, सेंटर्ड और रेक्टेंगुलर परमिटिव। क्या भी? रेक्टेंगुलर सेंटर्ड और एक है रेक्टेंगुलर परमिटिव। रेक्टेंगुलर परमिटिव। ठीक, अब इसके अंदर लेटेस्ट पैरामीटर पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि भी रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर के अंदर क्या होता है? ये लो भाई, गामा तो 90 डिग्री बना लो। ठीक है, ये गामा है, ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और यहां इसमें क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी। बोलो भाई कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। चलो दो बातें हो गई, दो तीन पढ़ लिया अपन, है ना। चौथा क्या है अभी? ओब्लिक, है ना, OBLIQUE। ठीक है, ओब्लिक, इसमें क्या होता है अभी? लेटिस पैरामीटर जो होते हैं ए नॉट इक्वल टू बी होता है, और गामा भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी कि अपन इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो गामा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कुछ भी रेंडमली होता है ये,
ठीक है, चार हो गए ऑब्लिक, और एक लास्ट पांचों बच रहा है अपने पास, वो होता है एक हेक्सागोनल। ठीक है, एक और क्या होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, और इसमें ए इक्वल टू बी होता है। ठीक है, हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी होता है, और गामा आपको पता है भाई, हेक्सागोनल में 120 डिग्री होता है, और इसको अपन कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये देखिए, ए इक्वल टू बी, और गामा क्या है भाई, ये 120 डिग्री। देखो भाई, ठीक है, इतना आप राइट कर लो, है ना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, 3D में भी वेरियस टाइप ऑफ लैटिस पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों देखिए, मैंने 3 डायमेंशन के अंदर जो ब्रेविस लैटिस थे उनकी एक टेबल बना दी है। ठीक है, तो वो आपको बहुत मदद करेगी समझने में अच्छे से। ठीक, तो देखिए कि 3 डायमेंशन में सबसे पहले मैंने बनाया है क्यूबिक, है ना। तो क्यूबिक में क्या होता है, लेटिस पैरामीटर ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। इससे पहले अपन एक बार समझ लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा और ए बी सी क्या है 3D के अंदर। ठीक है, तो इधर मैंने स्पेस खाली रख रखा है समझने के लिए। ये देखिए भाई, ये अपन अगर ए मान लेते, तो ए की जो सामने का जो एंगल होता है वो अपने पास क्या होता है भाई, अल्फा। अगर ये मैंने बी मान ली लेटिस पैरामीटर, तो इसके सामने का क्या होता है भाई, बीटा। ठीक, और ये मैंने अगर सी मान ली, तो इसके सामने का एंगल क्या होता है भाई, गामा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलो अब अपन देखते हैं कि ये जो है कौन कौन से ब्रेविस लेटिस है। तो पहला अपन सिम क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर भी अपन तीन ले सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक, दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल देखिए, सबसे पहले इन तीनों लेटिस पैरामीटर बराबर थे, ए बी, और ये जो एंगल है वो तीनों बराबर है। इसमें भी तीनों एंगल बराबर है, इसमें भी बराबर है, ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक, और फिर और यहाँ ये दोनों जो लेटिस पैरामीटर वो बराबर है, लेकिन सी बराबर नहीं है। और ये जो एस टी लिख रखा है वो क्या है, सिंपल टेट्रागोनल। ये क्या है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। और फिर अपन ऑर्थोरोम्बिक में आते हैं, तो ये सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और ये हो गया अपने एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फिर अपन आते हैं ट्राइगोनल में, तो ट्राइगोनल में ये क्या भाई, ए बी सी इक्वल टू होते हैं, और अल्फा बीटा गामा तीनों नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें अपने पास ओनली एक ही है, वो है सिंपल टेट्रागोनल। फिर आते हैं हेक्सागोनल में, तो ए बी बराबर होता है लेकिन सी बराबर नहीं होता है, और एल्फा बीटा तो होता है 90 डिग्री, और गामा होता है अपने पास 120 डिग्री, इसमें होता है सिंपल हेक्सागोनल। फिर आते हैं मोनोक्लिनिक में, तो ए बी सी तीनों ही बराबर नहीं है, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन बी सॉरी अल्फा और गामा 90 है लेकिन बीटा 90 डिग्री है, और इसमें क्या होता है, एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक होता है। ठीक, फिर बात आती है ट्राई क्लिनिक, तो इसमें तीनों ही लेटिस पैरामीटर भी इक्वल नहीं होते हैं, और तीनों ही लेटिस एंगल वो भी इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास ब्रेविस लेटर बिल्कुल शॉर्ट में, और अच्छे से ये टेबल आप बना लीजिए। ठीक, आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो जाए उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।